डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर टू का पार्ट थ्री यूज ऑफ द देन एज एज नॉट सो एज एज विद एडजेक्टिव रीड करेंगे और एक्सरसाइज सी सॉल्व करेंगे। इन द सेंटेंस द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेंटेंस में द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले होता है। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। सी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द स्कूल, वह स्कूल में सबसे प्यारी लड़की है या सबसे सुंदर लड़की है। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, ये डिग्री की फॉर्म होती हैं। गरिमा इज द मोस्ट क्रेजियस गर्ल इन हर कॉलोनी, गरिमा अपनी कॉलोनी में सबसे अधिक साहसी है, साहसी लड़की है। इन ए सेंटेंस देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ए एडजेक्टिव ऑफ सेंटेंस। देन का प्रयोग सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री के बाद होता है। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। माई ब्रदर इज स्ट्रोंगर देन यू, मेरा भाई तुम से शक्तिशाली है। साइमा इज मोर ब्यूटीफुल देन योर सिस्टर, साइमा तुम्हारी बहन से अधिक सुंदर है या साइमा तुम्हारी बहन की अपेक्षा सुंदर है। जब दो का कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री आती है, और जब कईयों में से किसी एक के ऊपर ध्यान दिया जब पॉइंट किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। नेक्स्ट है एज, एज इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है। इट इज यूज्ड टू शो सिमिलरिटी इन द क्वालिटी ऑफ टू और मोर नाउंस और प्रोनाउंस। यह दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन में समानता दिखाने के लिए प्रयोग होता है। लुक एट द सेंटेंसेज, राहुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर, राहुल अपने पिताजी की तरह इंटेलिजेंट है। रवीना इज एज पुअर एज हर फ्रेंड, रवीना अपने मित्र की तरह ही गरीब है। तो इसमें स्टूडेंट्स टू नाउन या टू प्रोनाउन में सिमिलरिटी दिखाई गई है। नॉट सो एज, यानी कि नॉट के बाद सो भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, और फिर आगे एज इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज। इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेज में होता है। इट इज यूज्ड टू शो डिससिमिलरिटी इन द क्वालिटी ऑफ टू और मोर नाउन्स और ए प्रोनाउंस। यह दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी में असमानता दिखाने के लिए प्रयोग होता है। लुक एट द सेंटेंसेज, सी इज नॉट सो एज, या तो नॉट के बाद सो लगा दो या एज लगा दो, एक ही बात है। ये जो ओब्लिक का साइन दिया है ना, इसका मीनिंग यह है। टाकेटिव एज मी, जैसे इसको पढ़ेंगे सी इज नॉट सो टाकेटिव एज मी, या इसको पढ़ेंगे सी इज नॉट एज टाकेटिव एज मी, दोनों ही ठीक माने जाएंगे, चाहे शो लगाओ चाहे एज लगाओ। वह मेरे जितनी बातूनी नहीं है, ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर, या सी इज नॉट एज ब्रेव एज हिज ब्रदर, वह अपने भाई जितना बहादुर नहीं है। अब चेक योर स्किल्स, अब आपने कितना सीखा ये चेक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिया गया है उसकी जो सूटेबल डिग्री इन सेंटेंसेस में आ सकती है वो लगानी है। डिग्री
थ्री होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव और एक सुपरलेटिव। अकबर वाज वन ऑफ द किंग्स, ब्रैकेट में दिया ग्रेट, तो ये बहुत से राजाओं में कंपेयर किया गया है तो ग्रेटेस्ट आएगा। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अकबर सबसे महान राजा था। माय ऑफिस इज देन योवर्ज, ब्रैकेट में दिया नियर, नियर का मीन्स होता है पास, नज़दीक, तो इसमें दो में कंपेयर किया गया है तो इसमें आएगा नियरर, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। माय ऑफिस इज नियरर देन योवर्ज, मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस की अपेक्षा नज़दीक है या पास में है। शालू इज द स्टूडेंट इन आवर क्लास, अब इसमें पूरी क्लास में बताया गया है, शालू इज द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट इन आवर क्लास, शालू हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली विद्यार्थी है। आई फाउंड ग्रामर वेरी ब्लैंक, इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ब्रैकेट में दिया है इंटरेस्टिंग, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें तो ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस है, कोई कंपेयर नहीं किया गया किसी से, और जो सेकंड पार्ट है उसमें सभी सब्जेक्टों से इसका कंपैरिजन किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। आई फाउंड ग्रामर वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ग्रामर बहुत दिलचस्प लगती है। इन फैक्ट वास्तव में इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, यह सभी विषयों में सबसे अधिक दिलचस्प है। फिफ्थ है दिस वॉल इज टू क्लाइंब, तो इसमें भी पॉजिटिव डिग्री रहेगी। दिस वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब, यह दीवार चढ़ाई के लिए बहुत ऊंची है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया।